बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरहाज ब्लॉग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्मोग हो रही है और गला बहुत ख़राब हो रहा है और बुखार और जिस्म में दर्द होने हो रहा है, तो मैं आज आपको एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी बताऊंगी जिससे आपके जिस्म का दर्द, बुखार, सब कुछ बिल्कुल चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक साफ बर्तन में दूध को ले लेना है। दूध आप नाप करके ही लें जितना आपको ज़रूरत हो। एक कप, मैं एक कप बनाने जा रही हूँ तो एक कप ही लें, और अगर आपने ज़्यादा बंदों के लिए बनाना है तो दो कप आप ले सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत हो। दूध को आपने लेकर, अगर आपको ये डर है कि आपको स्मेल आएगी तो आप इसमें एक इलायची डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आती। आप इसको गर्म करने के लिए रख दें और इसमें आप डाल दें एक चम्मच चीनी। चीनी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं वो भी आप पर है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये आप डालें और इसको गर्म करने के लिए ठहरा दें एक तरफ से। इसको इतना गर्म करना जैसे चाय के लिए बॉयल्स आता है ना, उतना इसको लाजमी गर्म करना है। इसके बाद आपने एक देसी अंडा ले लेना है। फार्म का अंडा आपने बिल्कुल नहीं लेना, देसी अंडा लेना है और उसको उसी कप में डालें जिसमें आपने बनाना हो। ट्रस्ट में बिल्कुल हवा नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आप एक दफ़ा बना कर ज़रूर देखें। अगर आपको हवा आए या आपको थोड़ा सा भी गंदा महसूस हो, आपने आके मेरे चैनल को अनसब कर देना है। अब इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट दें। इतना आपने फेंटना है कि मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या टेंडेंसी होनी चाहिए जब इसको आप फेंटें। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से, ये देखिए अभी हमने फेंटा है तो ये बिल्कुल, जब आप चम्मच में उठाएं तो पूरा उठ जाए, चम्मच भर जाए, इस तरह से आपने उठाना इसको फेंटना। अब देखें दूध को हमारे बॉयल आ रहा है। फिर भी अगर आपको डर है कि आपके दूध में स्मेल आएगी, आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, आप इसमें दालचीनी डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, लेकिन बिल्कुल नहीं आएगी। आप एक दफ़ा एक कप ऐसे मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखें। जब आप इसको रात को पियेंगे, आपके जिस्म में दर्द होगा, आपके गले में दर्द होगा, आपके जिस्म में दर्द होगा, या आपके थकावट होगी, सर्दियों से जो एक ख़ास बोझलपन हो जाता है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या बहुत शदीद कभी सर्दी लगती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये अंदर जाके एकदम बिल्कुल सुकून दे देगा। जो कभी कभी ऐसा होता है खांसी की वजह से हमारी पसलियों में दर्द हो जाता है, तो आपने इसको जब पी लेना है तो आपकी पसलियों को, आपके जिस्म को, आपके सर को, आपके नाक, गले, कान, पूरे जिस्म को एक सुकून सा मिल जाएगा। एक ऐसे आपको लगेगा कि आपके अंदर से किसी ने टकोर कर दिया बिल्कुल, या आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को निचोड़ लेगा। अब ये देखिए जो मलाई ऊपर जम रही है, आपने इसको हटा देना है, क्योंकि ये एक रेसिपी है इस तरह की जिसमें मलाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पहले से खांसी है तो मलाई और ऐसी चीज़ें जो होती है, जो चिकनी चीज़ें होती हैं, ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम को बढ़ाती हैं, तो ये आपने लाजमी छान लेनी है। इसके बाद जब दूध को अच्छी तरह देखें, इतना बॉयल आ जाए जैसे बिल्कुल खोलता है, खोलने पर आ जाए, ये देखें अंडा भी हमारा बहुत अच्छे से फेंटा गया है, इतना कि चम्मच में आ रहा है। अब आपने इसको इसमें डाल देना। डालने का तरीका ये है कि आप इसको हिलाते जाइए और थोड़ा सा डाल के पहले हिलाएंगे, ये देखिए इस तरह से, अब डालते जाए, हिलाते जाए, डालते जाए, हिलाते जाए, इस तरह से। ये इतना ज़बरदस्त होगा, आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप एक दफ़ा बनाने के बाद जब भी आपका बुखार होगा आप यही बनाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।